तो कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो भाई मैंने एक दिन पहले आप लोगों से पूछा था कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि आप लोगों को जंगल देखना है हमारे गांव का। तो आज हम जंगल में आ रखे हैं अपने गांव के, और अभी बज रहे हैं लगभग शाम के 5:30। और मेरे साथ में इधर जितेजा जी, शिबू भाई और विशाल भाई। तो अभी 5:30 बज रहे हैं, धूप अभी ज़्यादा है नहीं इधर, तो अभी थोड़ी देर में अंधेरा होने लग जाएगा। देखते हैं क्या क्या होता है, कहाँ तक जाते हैं, और अगर किस्मत रही तो कुछ जानवर वगैरह दिख जाएंगे। बाकी भाई आप देख सकते हो पूरी आग लगी हुई जंगल में, तो ये कुछ दिन पहले की लगी हुई आग, और अभी फिर थोड़ा थोड़ा जो चीड़ की पत्तियाँ वो गिर गई हैं, तो कुछ टाइम बाद फिर ये चीड़ की पत्तियों से भर जाएंगे ये खेत, और फिर दोबारा से कोई आग लगा देगा इनमें। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है, और जो भी होगा देखने लायक मैं आप लोगों को बताऊंगा। अरे भाई ये पड़ती है कब स्वाद, ये इन्नी पूरी ड्राइव। शाम को जुगाड़ कर रहा है ये पचारे इनमें चाटी हो रही है, ये पर नहीं है। हाँ ये परेशान, जी मत ले रुको एक यू। तो अभी हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं, और जो आप ये खेत वगैरह देख रहे हैं जिनमें चीड़ के पेड़ उगे हुए, ये सारे हमारे थे कुछ ज़माने पहले। तो फिर लोगों ने धीरे धीरे खेती बाड़ी करनी छोड़ी और यहाँ जंगल सा उग गया पूरा। नहीं तो यहाँ तक लोग गोबर वगैरह डालने के लिए आते थे, खेत यहाँ करते थे, मतलब अनाज वगैरह बोते थे कुछ। तो पहले के लोग मेहनती थे, अभी लोग जैसे जैसे आलसी हो रहे हैं वैसे वैसे घर के आसपास तक जंगल आ रहा है। Any ideas? तो भाई अभी हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं, और मैं आप लोगों को एक अनोखी चीज़ बताना चाहूँगा। तो ये देखो भाई, तो हम गांव से काफ़ी दूर आ रखे हैं जंगल में, और ये एक मकान है जो पुराना बचा हुआ है, बाकी धूल मिट्टी हो गया है सब। तो भाई जिनका ये मकान था उनका नाम कुसुम था, लड़का था कोई कुसुम। तो ये 100-150 साल पुराना मकान है, और बस अभी एक ये मकान बचा हुआ है, एक उधर की साइड है, और कुछ और होंगे तो पता नहीं, अभी देखते हैं क्या क्या है। पर काफ़ी साल पुराना मकान है, और पहले हमारा गांव इधर ही था बसा हुआ, पूरा डोबर गांव, फिर कुछ कारण से पूरा गांव उधर बस गया जहाँ पे अभी रहते हैं हम। क्या चीज चोलते लखड़वा लोग बने वाले यार, एक आलियो छ, हां एक छुना कुछ छुना बड़ो, और ये लगभग इन लगने की मतलब कुछ कमरा तोल बड़े दब गया ना मिट्टी। हां तो मतलब ये पूछे ज्यादा नहीं रहे। तो हम आ गए हैं ऊपर, और यह है वो मकान। तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर की साइड, क्योंकि वो जीती चाचा जी बोल रहे हैं कि उधर की साइड भी हैं कुछ मकान, तो देखते हैं अगर पहुंच पाएंगे वहाँ टाइम से, क्योंकि घर भी जाना है वापस, और रात में जानवरों का डर होगा। तो अगर टाइम से पहुंच जाएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे, बाकी जहाँ तक हमसे हो पाएगा हम आपको बताएंगे और जाएंगे आगे। और बाकी ये है लगे हुए आगे मेरे साथ साथ में।
तो भाई जो ये जंगल है, तो यहाँ पे एक हुआ है काफल का पेड़। तो हम काफ़ी टाइम पहले जब मैं छोटा था तो यहाँ आए थे हम काफल तोड़ने के लिए इस पेड़ पे, और बाकी काफल हमने यहाँ से तोड़े थे ऊपर से। तो अभी दिखाते हैं आपको, और बाकी ये भी हैं कुछ काफल। तो यहाँ पे हमें संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि भाई चीड़ की पत्तियाँ गिरी हुई हैं यहाँ, क्योंकि खतरा है बहुत तगड़ा वाला। अगर चले गए नीचे तो कहीं नहीं रुकेंगे, बस अपने कपड़े ही मिलेंगे खून से लथपथ। तो सुनो वो ज़्यादा ब्याल भी नहीं जाऊँगा। हाँ चलो भाई, मैं रास्ता चल रहा। तो भाई अभी बात कुछ ऐसे हो गई है कि हम इधर जा रहे थे इस रास्ते से, और यहाँ बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, बस ऐसे ही है जहाँ है। और यहाँ हमारा चलना बस का नहीं है क्योंकि इधर चीड़ की पत्तियाँ ज़्यादा पड़ी हुई हैं, और जहाँ तक आपको पता होगा तो चीड़ की पत्तियों में फिसलन ज़्यादा होती है, मतलब हम फिसल जाते हैं एकदम से, हम ये क्या कोई भी चीज़ हो। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ से, जीति चाचा जी चले गए हैं वो ऊपर, और वहाँ से बोल रहे हैं रास्ता है उधर के लिए। बाकी शिवम और विशाल यहाँ पे हैं, तो चलते हैं धीरे धीरे। और यहाँ का नज़ारा देखो भाई, मतलब कैंपिंग करने के लिए इधर मिल जाए कहीं तो इससे बढ़िया चीज़ नहीं हो सकती। तो अभी चलते हैं धीरे धीरे, और यहाँ रिस्क ज़्यादा है तो सावधानी से चलना पड़ेगा इधर। बाकी आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगी वीडियो, और आगे किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। तो भाई ये देखो यहाँ की खाई, और मैं आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि भाई मुझे डर लगता है। और यह है इधर की खाई, तो उस टाइम पे इधर जाने के लिए बोल रहे थे ये चाचा जी लोग, तो हमने मना कर दिया कि भाई नहीं, इधर से नहीं जाना है, रास्ता रास्ता चलेंगे। और बाकी ये है यहाँ का शानदार नज़ारा, और इधर अपने सूर्य देवता, और बाकी ये अपना मस्त सा जंगल। और भाई विशाल कल लगो बहुत दिन बाद घूमने का मौका मिल, और बहुत पीस लगी, प्यास लगी बहुत भूख लगी। इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद में अगर आप लोग को ऐसी जगह मिलती है तो भाई ऐसी जगह देख के अलग ही सुकून मिलता है दिल में। और ये जगह भाई फोटो शूट कराने के लिए एकदम परफेक्ट है। बाकी हम आगे चल रहे हैं धीरे धीरे, और आज हमने कुछ सोचा नहीं था। क्या बोल रहे थे? अरे ना हमने ये डाल पीछे वेकन ना वीडियो में आना चाहिए आराम से, चुप्पी चुप्पी की वन नजदीक में और बता ला। अब तो जेक भी क्या है मिंची ताका के तुम नहीं देख दिया और तुम वाले नहीं देख सकते मैं जाना करे इनको ना और वो क्या हुआ पता खुद देख लो। तो भाई ऊपर आते आते हमें एक काफल का पेड़ मिल गया था जिस पे लगे हुए थे काफल, और ये है वो पेड़। तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, तो काफल ने हमारी बहुत मदद की प्यास थोड़ी बुझाने में। और अभी चलते हैं धीरे धीरे घर की तरफ दूसरे रास्ते से, इस रास्ते से तो अभी शायद हमें वहाँ पानी मिल जाए, तो देखते हैं। और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है तो तो भाई इधर एक गुफा है आप देख पाओगे, तो वहाँ है गुफा, और शायद वहाँ जानवर भी हो कोई, पर वहाँ जाना सही नहीं रहेगा।
अपने कोई खतरा है तो क्या चीज तो भाई अब वीडियो ढंग से बन नहीं रही है क्योंकि अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे और काफ़ी सारा अंधेरा हो गया है। तो अभी भाई वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूंगा। बाकी यही था भाई अपना जंगल, और जब किसी दिन दूसरे दिन टाइम पे निकलेंगे घर से तो आपको अच्छे से एक्सप्लोर कराऊंगा यहाँ के जंगल। और अभी तो चीड़ी चीड़ी के पेड़ हैं, पर जो भी था भाई हमें मज़ा आया और उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा वीडियो में। तो अगर आपको मज़ा आया तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगी वीडियो और आगे क्या वीडियो चाहिए भाई। कमेंट पक्का कर दियो, शेयर पक्का कर दियो 2-3 बंदों को, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अपना ध्यान रखो और घर में रहो, घर में रहने की कोशिश करो और कोरोना वायरस से अपने घर वालों को और खुद को बचाओ। बाकी चलो चलते हैं, मिलते हैं दूसरे दिन।